नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने छेड़खानी करने का अपनी पड़ोसी पर ही आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाते हुए SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर महिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ पहुंची पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि बीते 8 अगस्त को अपने घर पर स्नान कर रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले हरिनाम का व्यक्ति घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और साथ ही कपड़े फाड़ दिए। इस बात की शिकायत उसने खुद जाकर शहर कोतवाली में की, लेकिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र में सौंप मांग किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि और किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत ना कर सके। क्या कुछ कहा पीड़ित महिला ने आपको सुनवाते हैं। विकलांग लड़की हैं, 47 साल की हैं, जो कोल घाट में एक किराए के घर में रहती हैं। उन्हीं के बगल में एक इन्हीं के रिलेटिव रहते थे। वो हस्बैंड वाइफ अपने में लड़ाई की, ये गई छुड़ाने। उनको छुड़ाने का मतलब हुआ कि वो वाइफ उनकी चली गई। उसके बाद वो बदला लेने के लिए दूसरे दिन इनके साथ बदतमीजी किया, छेड़खानी किया और इनके सारी नाइट ड्यूटी फाड़ दिया। और इनकी बुरी नीयत से इनको देखा और कहा कि तुम्हें जो करना है तुम जो कर लो, मैं करूँगा। और 6 दिन से कोतवाली में जा रही है FIR करने के लिए, चौकी पर जाने, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज इसलिए हम लोग यहाँ पर SP ऑफिस में आए हैं। क्या बोले कप्तान साहब? कप्तान साहब कहें कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जाइए, आप लोग की सुनवाई होगी। उन्होंने तुरंत कॉल किया और कहा कि इनका FIR लिखा जाए। अच्छा, लिखा गया। हाँ, अब वो हम लोग वहीं जा रहे हैं।